नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत भवनों और जमीनों पर बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए भिलाई निगम के आयुक्त रोहित व्यास ने नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के तहत कुर्की वारंट जारी करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम को पिछले कई वर्षों से संपत्ति कर की राशि नहीं पटाने वालों के खिलाफ अब नगर निगम प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है। अगर हितग्राहियों ने संपत्ति कर की राशि समय सीमा के भीतर जमा नहीं की तो निगम प्रशासन कुर्की वारंट के तहत सख्त कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ संपत्ति कर के मामले में हो रहे कार्यों में ढीलेपन को लेकर नगर निगम आयुक्त ने सख्त नाराजगी जताई है। संपत्ति कर की वसूली के लिए लगी एजेंसी सहित निगम के राजस्व अधिकारियों एवं समस्त जोन के जोन आयुक्तों को अंतिम अवसर दिया है। उन्होंने कुर्की वारंट के संबंध में तत्काल बकाया राशि की वसूली के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई करने की बातें कही हैं। नगर निगम ने अपने बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर ली है। यह ऐसे बड़े बकायेदार हैं जिनके द्वारा वर्षों से संपत्ति कर की राशि को निगम कार्यालय में जमा नहीं किया गया है। इस अभियान की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। संपत्ति कर वसूली का कार्य निजी एजेंसी को सौंपा गया है नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा, जो लगातार क्षेत्र में वसूली कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे करदाता हैं जो लंबे समय से अपने राशि का नोटिस देने के बाद भी एक बार दो बार उनके यहाँ दरवाजे में एजेंसी के लोग जा रहे हैं, उसके बाद भी वसूली उनके द्वारा संपत्ति कर के राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे लोगों के लगभग 100 लोगों के खिलाफ नगर निगम द्वारा धारा 74 उसके बाद 75 175 की कार्रवाई करते हुए कुर्की वारंट जारी किया गया है, जिसके लिए सहायक राजस्व अधिकारियों को जोन के सहायक राजस्व अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है और ये कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ होगी। गौरतलब है कि नगर निगम प्रशासन हर बार बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बातें करता है, लेकिन निगम प्रशासन की ओर से किया कुछ भी नहीं जाता, जिसकी वजह से बड़े बकायेदार संपत्ति कर की राशि को जमा नहीं करते। लेकिन अब निगम प्रशासन ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मन बनाते हुए कुर्की वारंट जारी करने की तैयारी कर ली है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।